हेलो बच्चों, सब क्या हाल चाल? बढ़िया है, हम भी ठीक। तो चलो, द कॉमर्स अप एंड टीम की तरफ से कल हम लोग बात कर रहे थे इनकम टैक्स की अपने पहले क्लास में, जिसमें हम लोगों ने बेसिक में बात किया था कि इनकम टैक्स क्या होता है या टैक्स क्या होता है। फिर हमने बात की इनकम टैक्स क्या होता है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ना, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या है ना, उसको कौन गवर्न करता है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ये सभी बातें हम लोगों ने अपने पहले क्लास में कर ली। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं अपनी दूसरी क्लास में इनकम टैक्स में। फिर से इसमें हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स के सोर्सेस क्या क्या है, उसके बेसिक डिफिनीशन क्या क्या है, फिर और भी जो छोटे मोटे टॉपिक है इन पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ एक बार फिर से नए विजन नए मोटिव के साथ सब लोग एकदम डटकर स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से यहां से इनकम टैक्स। ठीक है ना, देखो हम लोगों ने बात कर ली थी इनकम टैक्स का मीनिंग, सॉरी टैक्स का मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था हम लोगों ने, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाता है। ठीक है, ये सारी बात हो गई थी कि नहीं, हम लोग हो गई थी हम लोग की। चलो, पावर कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिस्ट कितनी है, सभी बातें, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ये सब हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स। तो चलो हम लोग खेलना चालू करते फिर से। देखोगे सेक्शन 14, ध्यान दो सब लोग, सेक्शन 14 क्या है आपका, एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का जो बताता है कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या चीजें आ रही है या सोर्सेस क्या है, कैसे इनकम टैक्स बना। एक चीज ध्यान दो, जैसे फैमिली की बात जब भी आप करते हो, परिवार कई लोगों से मिलकर बनता है, भाई बहन माँ बाप सबको मिला क्या करते हो आप, परिवार बना देते हो। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग यहां देखते हैं सोर्सेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो सेक्शन 14 बताता है आपका क्या बताता है बेटा, ये बताता है सोर्स या कंपोनेंट क्या है ना इनकम टैक्स के। तो देखोगे सब लोग, जब भी बात करोगे सोर्सेज या कंपोनेंट के, पहला सोर्स या कंपोनेंट क्या है, इनकम टैक्स एक्ट। दूसरा क्या है आपका, इनकम टैक्स रूल 1962, एक्ट 1961। फिर एनुअल फाइनेंस एक्ट जो हर साल पास किया जाता है, जितने देखो टैक्स में हमेशा रेटें बदलती रहती हैं, अमेंडमेंट आते रहते हैं, कभी डिडक्शन 50 का है, कभी 80 का हो गया, कभी एक का है, कभी 1.5 लाख का हो गया, कभी खत्म हो गया। तो ध्यान रखो कि ये सभी बातें हमको कैसे फाइंड आउट होती, कैसे पता चलती है, एनुअल फाइनेंस एक्ट जिसको आप बजट बोलते हो, जो पास किया जाता है हर साल। ठीक है, फिर सर्कुलर एंड क्लेरिफिकेशन कुछ है, सीबीडीटी क्या करता है, अपने लोगों के लिए कुछ सर्कुलर एंड क्लेरिफिकेशन निकालता रहता है। ठीक है, उसको भी सोर्सेज या कंपोनेंट में आपने ऐड किया हुआ। ठीक, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जुडिशियल डिसीजन है, जिनके बिहाफ पर आपके कोर्ट, आपके डिसीजन, आपके लॉ एंड एथिक्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पांच सोर्स हैं जिनको सोर्सेज या कंपोनेंट में ऐड किया गया है। ये बात कौन बता रहा है, सेक्शन नंबर 14 किसका बता रहा है, इनकम टैक्स। तो सभी बच्चा इस बात को ध्यान रखेगा, जो मेरे सीए इंटर सीएमए इंटर के बच्चे हैं, उसमें एमसीक्यूज पूछा जाता है कि सोर्सेज क्या क्या है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है इन बातों का। ठीक है, आ जाओ फिर से, फिर हम लोग बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर कौन सा है, 4। ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि टैक्स किसके ऊपर लगाया जाए। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपको क्या बताता है, ये बताता है टैक्स किसके ऊपर लगाया जाएगा। तो ध्यान रखोगे टैक्स किसके ऊपर लगेगा, पर्सन के ऊपर। टैक्स किसके ऊपर लगेगा, टैक्स पर्सन के ऊपर लगेगा। अब ये बात ध्यान रखो, आप टैक्स को कहां पर डिफाइन किया गया है, टैक्स को डिफाइन किया गया सेक्शन 231। ठीक है ना, ध्यान रखो चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 4 है हमारा इनकम टैक्स का, जो बताता है टैक्स किसके ऊपर लगाया जाएगा। तो टैक्स किसी भी पर्सन के ऊपर लगाया जाएगा। अब पर्सन में कौन आता है, यह बात बता रहा है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 31।
अब देखो, पर्सन, पर्सन में कौन कौन इंक्लूड है ध्यान रखो यहां पर, जब भी आप बात करोगे पर्सन में इंडिविजुअल आता है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। जब भी बात करते हो आप ध्यान रखोगे, सभी बच्चे लिखते रहे, इसमें आ जाएगा हमारा ह्यूमन बीइंग। प्रियंका चोपड़ा इंडिविजुअल पर्सन है ना, ध्यान रखोगे। प्रियंका चोपड़ा क्या इंडिया में रहती है? बताओ भाई। नोरा फतेह, जैकलीन, हाँ हीरोइन का नाम खूब याद होंगे, ध्यान रखोगे। तो ध्यान रखना, जब बात करोगे आप इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल को दो पार्ट में, एक रेजिडेंट और दूसरा नॉन रेजिडेंट है ना। देखोगे यहां नीचे मैंने डिस्क्राइब किया इंडिविजुअल में, जब बात करोगे आप रेजिडेंट की, दो तरह के रेजिडेंट होते हैं हमारे, एक ऑर्डनरी रेजिडेंट होता है, एक नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट होता है। क्या प्रियंका चोपड़ा हमारे यहाँ की ऑर्डनरी रेजिडेंट है? तो आपका आंसर नहीं, प्रियंका चोपड़ा ने अब इंडिया छोड़ दिया है। विराट कोहली ऑर्डनरी रेजिडेंट, कभी कभी वो नॉन ऑर्डनरी भी हो जाता है। अमिताभ बच्चन कभी कभी नॉन ऑर्डनरी भी हो जाता है। हम लोग गरीब लोग इंडिया घूम नहीं पाते पूरा, इलाहाबाद प्रयागराज नहीं घूम पा रहा हूं मैं इंडिया घूमने के बाद, छोड़ दोस्तों ने अब ताना मारना चालू किया गया, अरे इनको छोड़ो इनको पूछो ही ना, ये तो अपना कोचिंग में बिजी रहता है, इस आदमी को छोड़ दो। अभी कल सब घूमने जा रहे थे, शाम को बात था, मैंने कहा संडे को चलो, कहे संडे को नहीं जाएंगे शुक्रवार को जाएंगे, आप अपना कोचिंग देखिए पढ़ाइए बच्चों के साथ। तो मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, ठीक है हम बच्चों के साथ खुश रहते हैं, ठीक है। आओ देखो, तो देखो कि यहाँ पर ऑर्डनरी और नॉन ऑर्डनरी बात होगी। जब भी बात करोगे आप ऑर्डनरी का मतलब क्या हो गया? ऑर्डनरी का मतलब हो गया सलमान खान, बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है। आमिर खान, मैं, शिवम तिवारी, हम लोग क्या है? ऑर्डनरी रेजिडेंट। बट जब बात करेगा नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट का, नॉन ऑर्डनरी क्या होता है अभी हम लोग अगले चैप्टर में इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर बात कर सकते हो आप प्रियंका चोपड़ा, सानिया मिर्जा पाकिस्तान चली गई, ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करोगे, पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल। फिर कौन आता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना। देखोगे इसको कौन गवर्न करता है, इसको गवर्न कौन करता है? गवर्न का मतलब गवर्न बाय हिंदू, ठीक है। तो देखोगे सभी लोगों को एक बात ध्यान रखना है, इसका कंट्रोल मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? कंट्रोल मैनेजमेंट होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता के हाथ में है ना। देखोगे जो पुराने हमारे यहाँ के बनिया लोग होते हैं, अच्छे बच्चे बनिए, जब बात होती है अच्छे बच्चे बनिए की, तो बनिए अच्छे बच्चे होते हैं। अच्छा बच्चा बनिया का मतलब बनना नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखोगे जो लोग, ठीक। तो देखोगे पावर ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल मैनेजमेंट का पावर किसके हाथ में होता है? कर्ता के हाथ में होता है। फिर इसके मेंबर्स को आप क्या बोलते हो? इसके मेंबर्स को आप बोलते हो कोपार्टनर। देखोगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं, उसी विचारधारा को हमने यहां पर नाम दे दिया है स्कूल है ना। इसको आप कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका? पहला कॉन्सेप्ट है आपका मिताक्षरा, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका? दूसरा कॉन्सेप्ट है दाय भाग, ठीक है। तो देखोगे जो मिताक्षरा है ये कहां तक अप्लीकेबल है, देखो बेटा
ये कहां तक अप्लीकेबल है सभी लोग ध्यान देना, ये अप्लीकेबल है होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड आसाम। इसका मतलब यूपी में क्या अप्लीकेबल है मिताक्षरा, ठीक है। यहां पर देखोगे मेंबर्स कैसे बन जाते हो आप, बाय बर्थ, जब से जन्म लिए हो तब से आप फैमिली के मेंबर, ठीक है। देखोगे शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी में आपका शेयर होता है, हाँ होता है भाई, कब से होता है, बाय बर्थ से, जब से जन्म। बहनों को मेंबर नहीं बनाता कोई, बदतमीजी करता है, नॉट द मेंबर, ठीक है। देखोगे यहां पर सिस्टर इज नॉट द मेंबर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक। तो देखोगे मिताक्षरा अप्लीकेबल पूरे इंडिया में एक्सेप्ट द स्टेट आसाम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक। यहां का मेंबर कोई भी बनता है जो जन्म ले लेता है यहां पर, और जन्म से ही हो जाता है। यहां पर अगर आपने जन्म लिया है प्रॉपर्टी में आपका शेयर होगा, ठीक है, बट लड़कियों को प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं दिया जाता, ठीक है। आगे देखते हम लोग दया भाग कहां अप्लीकेबल है, ये अप्लीकेबल ओनली दी वेस्ट बंगाल एंड आसाम। यहां पर मेंबर कौन हो जाता है भाई, यहां पर भी मेंबर कोई भी हो जाता है बाय बर्थ से, जन्म से। शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में शेयर कब होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, जब कर्ता की डेथ हो जाती है। सिस्टर मेंबर कब बनती है प्रॉपर्टी की, हमेशा यहां पर सिस्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना, सिस्टर इज इक्वली मेंबर ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना, जो जितना तुम्हारा है उतना बहन का भी है, इस बात को आपको ध्यान, ठीक है। तो ध्यान रखोगे दो बातें हम लोगों ने क्लियर की यहां पर, पहला इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ। कंपनी फर्म एओपी बीओआई लोकल अथॉरिटी एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। तो ये सात लोगों को पर्सन में कवर किया गया, इन सात में सब आ जाते हैं। पहला हमारा एचयूएफ हो गया, पहला भाई इंडिविजुअल लिख लो, दूसरा एचयूएफ लिख लो नंबरिंग से, फिर नोट थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। देखोगे एओपी का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कोई भी मेंबर बन सकता है, आइदर बॉडी इनकॉर्पोरेट, चाहे वो क्या हो, बॉडी इनकॉर्पोरेट हो या तो क्या हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है ना। एओपी का कोई भी मेंबर बन सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो चाहे बॉडी इनकॉर्पोरेट हो, ठीक है। बट बॉडी इनकॉर्पोरेट का केवल इंडिविजुअल पर्सन ही मेंबर बन सकता है, कोई एसोसिएशन नहीं बन सकता है, ठीक है। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, नगर निगम, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल बोर्ड, ये सब भी इंडिविजुअल के डिफिनेशन में कवर है। एजेपी का मतलब कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, हनुमान मंदिर, द कॉमर्स हब, ठीक है, ये सब कवर है, ठीक। तो ध्यान रखना, पहली बात मैंने आपसे क्या की चार्जिंग सेक्शन में, टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है, तो आपका आंसर है पर्सन के ऊपर, पर्सन को कहां कवर किया गया, सेक्शन 231। अब दूसरी बात पर हम लोग आएंगे, किस इनकम पर लगाया जाता है, ठीक है, किस इनकम पर आप टैक्स लगाते हो, तो ध्यान रखना टोटल टैक्सेबल इनकम पर। तो यहां बात हो रही किस पर लगाते हो, टोटल इनकम पर। तो देखोगे टोटल इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 245 में। इसको पढ़ने के पहले मैं आपको ग्रॉस टोटल इनकम पढ़ा दूं, आपके लिए मैटर कवर हो जाएगा। पढ़ो भाई सब लोग, ग्रॉस टोटल इनकम को सेक्शन 80B(5) में डिफाइन किया गया है। बताया गया है द एग्रीगेट ऑफ टोटल इनकम अंडर द फॉलोइंग एड इज नोन एज GTI। GTI को आप शॉर्ट में, ग्रॉस टोटल इनकम को आप शॉर्ट में GTI भी बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, चाहो यहां लिख लो GTI। देखोगे हाथ में हमारी उंगलियां कितनी है, हाथ में हमारी उंगलियां कितनी है, पांच। ध्यान रखो चार उंगली एक अंगूठा है, आ जाओ और थोड़ा इलाबरेट कर लें इसको लोग। देखोगे जब बात होगी GTI की तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या
सोर्सेज ऑफ इनकम, इनकम के सोर्स हमारे पास कितने हैं? पांच हैं, इस बात को ध्यान है ना। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कोई पर्सन है, देखोगे ये हमारा घर है, पहला घर किसका है, इनकम फ्रॉम सैलरी, पहला घर किसका है, इनकम फ्रॉम सैलरी का, इनकम का ही पहला घर है। अगर कोई पर्सन देखोगे इनकम कहां से अर्न करता है, ये इनकम अर्न करता है फ्रॉम सैलरी से, पैसा कमा रहा है वो, पैसा कहां से कमा रहा है, इस बात को ध्यान रखोगे, पैसा कमा रहा है वो सैलरी से। ठीक है, तो जब वो पैसा कमाएगा सैलरी से तो ध्यान रखोगे टैक्सेबल कहां होगा वो, पहले घर। कोई भी पर्सन है अगर वो इनकम अर्न कर रहा है, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि इनकम उसको कहां से हो रही है, सैलरी से हो रही है। कैसे पता करेंगे आप उसको कि इनकम सैलरी से हो रही है, आप चेक करोगे इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, अभी मैं इसको और एलाबरेट करूंगा पर्टिकुलर चैप्टर में जाऊंगा। तो अगर इंप्लॉयर नौकर और मालिक का संबंध होगा तभी तो सैलरी होगा, अदरवाइज सैलरी नहीं होगा। अगर वो पर्सन सैलरी की डिफिनेशन में कवर है तो पहला घर टैक्सेबल, ठीक है। इसके बाद दूसरे में आ जाओगे, देखो ऐसा कोई पर्सन, ये हमारा इनकम का दूसरा घर है, ऐसा कोई पर्सन जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, इनके पास क्या है, कई घर है, ये प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर टू, प्रॉपर्टी नंबर थ्री, प्रॉपर्टी नंबर फोर है ना। देखोगे इनके पास हाउस प्रॉपर्टी है, जब बात करोगे सैलरी को तो इसको सेक्शन 15 से लेकर 17 तक डिफाइन किया गया है, हाउस प्रॉपर्टी को सेक्शन नंबर 22 से 27 तक डिफाइन किया गया है। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और आपको उस हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, और वो इनकम कैसी इनकम है, रेंटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी को बेच के इनकम कमा रहे हो, उसका पार्ट दूसरे हेड में जाएगा, वो पार्ट आपका कैपिटल गेन में जाएगा। बट अगर हाउस प्रॉपर्टी है उसको आपने रेंट पर उठा दिया, किराए पर उठा दिया, किराएदारी पर उठा दिया, तो ध्यान रखोगे रेंटल इनकम कहां पर टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल होगी टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर तीसरा आ जाएंगे हम लोग, चेक करोगे अगर ऐसा कोई पर्सन है जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। कैसे पता करोगे बिजनेस में इन्वॉल्व है, देखोगे क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, और वो एक्टिविटी लीगल है, रेगुलर एक्टिविटीज है, तो आप समझ जाओगे वो बिजनेस है। मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी में शोरूम है, शोरूम से मैं रोज गाड़ियां बेचता हूं, मेरा क्या है, रेगुलर डीलिंग। मैं अपनी गाड़ी बेच दिया, रेगुलर डीलिंग नहीं है। तो अगर मैं अपनी गाड़ी बेचता हूं तो मुझको क्या होगा, कैपिटल गेन। बट अगर मेरा बिजनेस है गाड़ी बेचने का, तो क्या है, मेरा बिजनेस प्रोफेशन, वो इनकम कैसी कराएगी, बिजनेस की इनकम कराएगी, और टैक्सेबल होगी अंडर हेड पीजी बीपी में, ठीक है। तो ध्यान दोगे अगर कोई पर्सन उसका बिजनेस प्रोफेशन है तो उसको जो इनकम होती है उसको आप पीजीबीपी की इनकम बोलोगे, है ना। इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 28 से 44, या प्रोफेशन की इनकम हो सकती है। प्रोफेशनल इनकम में क्या होगा, स्पेशल स्किल नॉलेज चाहिए, वोकेशन भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे अगर इस तरह की इनकम है टैक्सेबल कहां होगी, पीजीबीपी में। फिर चौथा देखते हैं हम लोग, नोट भी करते रहे ऐसे,
देखोगे जो चौथा घर है हमारा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है, कोई पर्सन है ये ट्रांसफर करा कैपिटल एसेट, तो इसको क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। ध्यान रखोगे कैपिटल गेन दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ये सभी बातें मैं इसके पर्टिकुलर चैप्टर में करूंगा, आपको परेशान होने की कोई बात कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो देखोगे आप सभी लोग कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल गेन होता क्या है। तो कोई कैपिटल एसेट है, जितनी भी एसेट्स है हमारे पास उसको हमने क्या नाम दिया, कैपिटल एसेट। अगर हम उसको बेच देते हैं, उससे अगर कोई हमको इनकम मिलती है वो क्या कहलाती है, आपकी कैपिटल एसेट कहलाती है। और उसको बेचने के बाद जो हमको प्रॉफिट या गेन होता है वही हमारा कैपिटल गेन है, उसको टैक्सेबल कहां करते हो आप, अंडर हेड कैपिटल गेन है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया, अगर सैलरी की इनकम है सैलरी के हेड में, अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है टैक्सेबल कहां, पीजीबी पे। कैपिटल गेन एसेट प्रॉपर्टी बेच के कमा रहे हो कैपिटल गेन। और जो इन चारों में नहीं पता, इन चारों घर में जो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है उसके लिए एक अलग घर बनवा दिया गया, जिसका क्या नाम रखा गया, ऐसी इनकम जिस इनकम को आप क्या कर ले रहे हो, अचानक एकाएक अनएक्सपेक्टेड है, अनडिफाइंड है। ऐसी इनकम अगर आपको अर्न हो जा रही है वो इनकम कौन सी इनकम कहलाएगी आपकी, वो इनकम कहलाएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर। तो जो चारों घर में एडजस्ट हो गया अच्छी बात, जो चारों घर में एडजस्ट नहीं हो पाएगा उसके लिए पांचवा घर बड़ा दरवाजा खोला गया जिसका नाम क्या, अदर सोर्स है ना। देखोगे अगर एग्जाम्पल इसका लिख लो, इनकम फ्रॉम लॉटरी हॉर्स रेस पजल एक्सेट्रा, ठीक है। तो लॉटरी की इनकम, हॉर्स रेस की इनकम, पजल की इनकम, ये सब ध्यान रखोगे। जब आप बात करते हो इनकम के कॉन्सेप्ट की, तो इनकम हमारी तीन तरह की, पहला, दूसरा क्या है जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, और तीसरा है टोटल इनकम। इसको बताया गया सेक्शन 80B(5), इसको 245 और इसको 224 में, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। तो अभी मैं बात कर रहा था ग्रॉस टोटल इनकम की, आ जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। तो यही बात मैंने अभी तक आपको समझाई, मैंने बोला जब पांचों हेड की इनकम को ऐड कर लो, ठीक है, पांचों हेड की इनकम हो गई, इस पर्टिकुलर डिडक्शन ऑफ द हेड इसको आपने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखोगे जो इनकम आएगी हमारी कौन सी इनकम होगी, ग्रॉस टोटल इनकम है ना। तो पांचों सोर्स की इनकम को जब आपने आपने ऐड कर दिया, जो इनकम आ गई क्या होगी, वो की ग्रॉस टोटल इनकम। देखोगे इसके बाद आप टोटल इनकम पर आएंगे, जीटीआई पर तो टैक्स लगता नहीं, ये है आपके टोटल इनकम। टोटल इनकम को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 245 में, क्या बताया गया इसमें सब लोग देखेंगे, जब हम पांचों सोर्स की इनकम को ऐड कर लें, ऐड किया हमने यहां पर
क्यों भाई ऐड कर लिया हम लोग यहां पर। फिर क्लबिंग ऑफ इनकम का जो प्रोविजन है इसमें ऐड कर दोगे, सेटअप ऑफ लॉस का जो प्रोविजन है माइनस कर दोगे, फिर माइनस कर दिया जाएगा यहां से हम लोग डिडक्शन 80 सी की 80 यू, और जो इनकम हमारी बच जाएगी वही इनकम कौन सी इनकम होगी, टोटल इनकम होगी, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ बेटा कि अगर पांचों हेड की इनकम को ऐड कर लो और उस पर्टिकुलर हेड की जैसे सैलरी की डिडक्शन को डिफाइन किया गया सेक्शन 16 में, हाउस प्रॉपर्टी की अंडर सेक्शन 24, बिजनेस प्रोफेशन की 30 से लेकर 38 तक, कैपिटल गेन की अंडर सेक्शन 54, अदर सोर्स की अंडर सेक्शन 57, जब माइनस कर दोगे जो बच गया वो क्या हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम। अब टोटल सवाल हमारा क्या है, सवाल ये टोटल इनकम क्या होती है आपकी। तो टोटल इनकम की जब भी आप बात करोगे ध्यान दोगे, जब आप ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे 80 सी से लेकर 80 यू की डिडक्शन, ठीक है, तो जो इनकम हमारी बच जाएगी वही टोटल इनकम कहलाएगी, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बताया, टैक्स किसके ऊपर लगेगा, पर्सन के ऊपर, है ना। पर्सन की डिफिनेशन 231 में कवर थी, कौन कौन आ गया मैंने बता दिया, किस इनकम पर, टोटल इनकम पर, टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम मैंने आपको बता दी। आ जाओ आगे, तो टैक्स किसके ऊपर लगेगा, किस इनकम पर लगेगा, किस ईयर की इनकम पर लगेगा। तो ध्यान रखोगे जब भी बात करते हैं हम लोग ईयर की तो बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की इनकम पर लगेगा। इसको डिफाइन किया गया प्रीवियस ईयर को अंडर सेक्शन 3 में। प्रीवियस ईयर क्या होता है, आ जाओ ये भी जान ले हम लोग। जब हम लोग बात करते हैं ईयर के कॉन्सेप्ट पर, जब भी बात करोगे आप ईयर का कॉन्सेप्ट, ईयर में दो कॉन्सेप्ट है हमारे, पहला कैलेंडर दूसरा फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर में दो कॉन्सेप्ट आ गया है इनकम टैक्स में, एक है प्रीवियस ईयर और दूसरा क्या है आपका असेसमेंट ईयर, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखोगे यहां पर प्रीवियस ईयर जो कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट है ये इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है, यहां पर हम लोग कैलेंडर ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं, यहां पर हम कॉन्सेप्ट किसका लेते हैं, प्रीवियस ईयर का, और किसका लेते हैं, असेसमेंट ईयर का, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आओ हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या है। चलो भाई देखे सब लोग प्रीवियस ईयर क्या है, शुरू हो जाओ सब लोग। देखोगे द ईयर इन विच इनकम इज अर्न कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर, इट इज इमीडिएट प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर, द इनकम विच इज अर्न इन द ईयर इज नोन एज प्रीवियस ईयर। ऐसी इनकम या ऐसा ईयर जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो, कमाते हो, जनरेट करते हो, उस ईयर को नाम देंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। इट इज मैंडेटरी टू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये जरूरी है कि आप फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक फॉलो करेंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च, कैसे एज अ प्रीवियस ईयर के रूप में, ये बात कहां बताया गया है, इनकम टैक्स पर्पस के लिए। देखोगे यहां पर इस डायग्राम को ध्यान से समझे सब लोग, देखोगे यहां पर दिया हुआ है मान लो ये है आपका 2020-21 और ये क्या है आपका 2021 और 22, ठीक है। तो देखोगे 21-22 जो है आपका प्रीवियस ईयर है, क्योंकि इसमें आपने इनकम एराइज की है ना, ये इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है। फिर 21-22 क्या है आपका असेसमेंट ईयर, नोट कर लो, ठीक।
तो ध्यान रखोगे जब भी बात करेंगे हम प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर एक ऐसा ईयर है जिसमें क्या करता है, एसएससी इनकम को अर्न करता है। ठीक, देखोगे जैसे असेसमेंट ईयर 22-23 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा इसके पहले 21-22, अगर असेसमेंट ईयर 23-24 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा 22-23। ठीक है, यहां तक कोई समस्या बताओ। तीन बातें हमेशा इसमें ध्यान रखोगे, रनिंग बिजनेस है अगर आपका तो हमेशा प्रीवियस ईयर 12 महीने का, द कॉमर्स सबके लिए प्रीवियस ईयर कब से है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। कोई नया बिजनेस सेटअप किया गया है तो जिस दिन से बिजनेस सेटअप है वहां से लेकर 31 मार्च तक, मानो मैंने आज कोई बिजनेस सेटअप किया, आज का डेट क्या है 7 जुलाई, 7 जुलाई से लेकर 31 मार्च, आज मैंने बिजनेस का वाइंडिंग अप कर दिया, कब 7 जुलाई को, वाइंडिंग अप के लिए 1 अप्रैल 31 मार्च, सॉरी आज का डेट। तो देखोगे जब वाइंडिंग अप हो रहा है बिजनेस का तो कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेकर डेट ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, ये एग्जांपल आपको क्लियर करा है, प्रीवियस ईयर क्या है आपका, असेसमेंट ईयर क्या है, अगर आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है तो आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा 22-23, ऐसे आप बढ़ाते जा सकते हो। ठीक है, इस एक्सेप्शन भी है प्रीवियस ईयर के कुछ, देखो सारी इनकम जो आप कमाते हो उसको आप कमाते किसी और साल है ना, बट टैक्स कब करते लगा देते हो अगले साल, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ इनकम ऐसी भी है जिनको आप जिस ईयर में कमाते हो उसी ईयर में टैक्स लगा देते हो, वो इनकम कौन कौन सी है उसी को एक्सेप्शन बोला गया प्रीवियस ईयर का, उसको डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 152 से लेके 176। प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शन को अंडर सेक्शन 172 से लेके 176 तक डिफाइन किया गया, वो कौन कौन से जरा देखते हैं। ऐसा कोई पर्सन जो क्या है नॉन रेजिडेंट एसएससी है, इंडिया का रहने वाला नहीं है और वो इन्वॉल्व है शिपिंग बिजनेस में, जहाज रानी के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये वंशिका है, वंशिका केसरी जो है ये बिजनेसमैन है, सॉरी बिजनेस वुमेन है। ठीक, देखोगे यहां पर इन्होंने इनकम अर्न किया किससे, शिपिंग बिजनेस से, गवर्नमेंट बोली देखो भाई आप जहाज का बिजनेस करते हो, पानी में आते जाते हो भाई, आप खतरों खिलाड़ी और हम सिंपल सीधे आदमी, आप क्या करोगे, आप एक काम करो, आप खतरों से खेलते रहो लेकिन हमारा जो पैसा है वो आप पोर्ट छोड़ने के पहले पे करके जाया करो, पता नहीं नेक्स्ट टाइम आप आओगे भी कि नहीं आओगे। तो ध्यान रखोगे ऐसा कोई पर्सन है जो नॉन रेजिडेंट है, ये वंशिका जो है कौन है, एनआरआई, ये क्या कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है, तो क्या हो जाएगा इसकी इनकम करेंट ईयर में ही गवर्नमेंट टैक्सेबल कर देगी, क्यों, क्योंकि एनआर है, भाग्य नहीं आया तो गवर्नमेंट का तो नुकसान हो जाएगा, गवर्नमेंट अपना नुकसान क्यों करे। ठीक, दूसरा इनकम ऑफ पर्सन हु इज लिविंग इंडिया, ऐसा कोई पर्सन जो क्या कर रहा है, इंडिया छोड़ रहा है, चाहे वो परमानेंटली छोड़े या लॉन्ग पीरियड के लिए छोड़े, जैसे मिस्टर अभय है आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं है ना, या तो छोड़ रहे इंडिया को परमानेंट पर्पज के लिए छोड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट को इस बात का पता चल गया कि ये आदमी जा रहा है इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी है, दोबारा आने वाला नहीं है, गवर्नमेंट क्या करे, मारेगा तू, झापड़ झापड़ मारेगा, बदतमीज क्यों जा रहा है तू, है ना, फिर क्या करेगा उससे, उसी ईयर की इनकम में उसी ईयर पर टैक्स लगा देगा जिससे गवर्नमेंट का नुकसान न। फिर तीसरा देखोगे ऐसी कोई बॉडी जो किस पर्पज के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टेब्लिश हुई है, ठीक है, अगर कोई मान लो शिवम है चेतन है, ये शिवम चेतन इनका ज्वाइंट वेंचर का बिजनेस है, पर्पज क्या है इनका, कुंभ मेला को सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे है ना,
शॉर्ट ड्यूरेशन को मेरा 2 महीने के लिए, फिर डिसॉल्व हो जाएगा। तो देखोगे इस तरह की इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा गवर्नमेंट क्या करेगा उसको, गवर्नमेंट क्या करेगा उसको, गवर्नमेंट उसको उसी प्रीवियस ईयर में रिकवर कर लेगा। ठीक है, तो पहला बात क्या हो गया, शिपिंग बिजनेस में अगर एनआर है। दूसरा बात क्या हो गया, कोई पर्सन इंडिया छोड़ रहा है परमानेंटली या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, या कोई इनकम या कोई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है थर्ड वाले में, तो ध्यान रखोगे उस शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद जैसे ही वो बिजनेस खत्म होगा तुरंत रिकवरी हो जाएगी। फोर्थ है इनकम ऑफ पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। ऐसा कोई आदमी, अंकित है ये, अंकित के पास बहुत प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर टैक्स ज्यादा हो गया, तो ये क्या है, टैक्स अवॉइड करने के लिए क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। इसका मेन पर्पज क्या है, मेन पर्पज है इसका टैक्स को अवॉइड करना, और गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इस बात को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट करेंट ईयर में टैक्स ले लेगा किससे, अंकित, क्योंकि क्या कर रहा है ये टैक्स को अवॉइड करने के पर्पज से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, ये इसे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, लास्ट देखे सब लोग, देखोगे ऐसा कोई बिजनेस है जो डिसकंटिन्यू हो गया, बंद हो गया, खत्म हो गया। अभय की एक मिल्क डेयरी है, ठीक है, अभय की क्या, एक मिल्क डेयरी है। अभय का देखो स्लोगन कितना जोरदार है, सबके सेहत का रखवाला अभय ग्वाला। अब अभय ग्वाला का बिजनेस क्लोज, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है ना कि अब इसका बिजनेस हो गया खत्म, अब अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये मेरा टैक्स नहीं देगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको छोड़ा नहीं, बोला बेटा मेरा टैक्स पे कर दे उसके बाद निकल, क्योंकि तेरा बिजनेस तो अब बंद हो गया ना, अगर मैं तुझको छोड़ दूंगा तो मैं खोजूंगा कहां। ठीक है, तो ये 5 बात ध्यान रखोगे, एक्सेप्शन ऑफ जनरल रूल फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, पहला कोई ऐसा पर्सन जो क्या है, एनआर इंडिया है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है और शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है। दूसरा क्या है, जो पर्सन क्या कर रहा है, देखोगे भाई सेकंड में क्या है, इंडिया को छोड़ रहा है चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे परमानेंटली। तीसरा क्या है, कोई बॉडी का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ या कोई बिजनेस सेटअप किए हो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। फिर तीसरा क्या है आपका, प्रॉपर्टी अवॉइड करने के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, और लास्ट क्या, बिजनेस बंद हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये सब प्रीवियस ईयर के अपने कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे यहां पर टैक्स किस पर लगा, पर्सन पर। पर्सन को कहां डिफाइन किया गया, सेक्शन 231 में। किस इनकम पर लगा, टोटल टैक्सेबल इनकम पर, कहां डिफाइन है, अंडर सेक्शन 245 में। किस ईयर की इनकम पर लगा, सेक्शन 3 में डिफाइन है, प्रीवियस ईयर की इनकम पर लगा। उसकी लिमिट क्या होगी, जो टैक्स लगा है उसकी कोई ना कोई लिमिट होगी ना, वो लिमिट क्या है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं टैक्स लिमिट की। देखोगे जब भी हम लोग बात करते हैं टैक्स का, एज को बेस लेते हैं, पहला क्या है हम लोग का, पहला है केस नंबर 1, दूसरा केस नंबर 2, तीसरा केस नंबर 3। देखोगे यहां पर एज है 18 से 60, इनको हमने क्या नाम दिया, नॉर्मल पर्सन। फिर एज है आपकी 60 से 80, इनको नाम दिया क्या, सीनियर सिटीजन। ठीक है, फिर नोट करते रहे सब लोग,
ठीक है, तो हमने ध्यान दो एज के बेस पर रेट को डिवाइड कर दिया है। अगर देखते हो कि एज है आपका 18 से 60 तो नॉर्मल पर्सन, 60 से 80 सीनियर सिटीजन, 80 से प्रभु इच्छा है सुपर सीनियर सिटीजन। जब 18 से 60 बात करोगे तो पहला 2.5 लाख अगर आप कमाते हो उस पर कोई टैक्स रेट नहीं, इसी को हमने क्या नाम दिया था, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बट जब आप 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हो 5 लाख पर, तो 5 लाख में से माइनस कर दिए बचा कितना आपका, 5 माइनस 2.5 बचा कितना, 2.5। 2.5 पर रेट क्या अप्लीकेबल है, 5%। तो इसी को बोलते हैं नेक्स्ट 250। पहला 2.5 लाख एग्जम्प्ट, अगला 2.5 लाख 5%, फिर अगले 5 लाख पर नेक्स्ट 5 लाख। 10 लाख कमाए हो, 2.5 एग्जम्प्ट और 2.5 पर 5% अलग हो गया, बचा कितना 5, 20%। उसके ऊपर 10 के ऊपर जितना भी कमाओगे सब पर 30% का रेट अप्लीकेबल। साथ में जो भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसका 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का प्रोवाइड करना है। यही क्या है आपका लिमिट है। फिर जब हम लोग आते हैं केस नंबर 1, जब बात करते हैं तो किसके लिए बात करते हैं, नॉर्मल सिटीजन के। यहां पर पहला सीनियर सिटीजन, इनका एज कितना है, 60 से 80। इनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 नहीं होता, इनका 3 लाख होता है, 3 लाख पर कोई रेट नहीं। फिर 5 से लेके 5 तक 5%, अगले 2 लाख पर इनको केवल टैक्स पे करना है, अगले 5 लाख पर इनको कितना पे करना है, 20%, इसके आगे जितनी इनकम होगी 30% का पेमेंट करना। तो ध्यान रखना, 3 एग्जेम्प्ट, 2 पर 5%, 5 पर 20%, बाकी जितना बच गया उस पर 30%, फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से टैक्स लाइबिलिटी। फिर जब हम लोग आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन 80 से प्रभु इच्छा वाले, इनको पहले 5 लाख पर टैक्स नहीं पे करना है, इनके ऊपर 5% का रेट अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनका देखो 5 तक एग्जेम्प्ट ही हो गया, तो 1 से लेके 5 लाख तक रेट ही क्या है, 5 एग्जेम्पशन नॉर्मल का, 2.5 सीनियर का, 3 और सुपर सीनियर का 5, तो 5 पर कोई टैक्स ही नहीं। तो अगले 5 पर 20%, इसके बाद पूरे पर 30%, जो आ गया टोटल टैक्स लाइबिलिटी। सरचार्ज, स्पेशल रेट, ये सब अभी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, आ जाओ फिर से वापस। तो ध्यान रखो लिमिट क्या है, लिमिट अभी मैंने आपको बताया, तीनों केस में, चाहे वो सीनियर हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे सुपर सीनियर हो, चाहे सीनियर हो, ठीक है, तो 2.5, 3 और 5 का एग्जेम्पशन लिमिट है, ठीक है। इसके ऊपर आप जाओगे तभी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। इसके अगर एक नॉर्मल पर्सन है उसकी इनकम 2.5 लाख है, कोई टैक्स नहीं। सीनियर सिटीजन है 3 लाख है, कोई टैक्स नहीं। सुपर सीनियर है 5 लाख तक है, कोई टैक्स नहीं। इसके ऊपर अगर आप कमाओगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब देखो करदाता कौन है, कर कौन देता है, ये बात कौन डिफाइन किया, सेक्शन 27, ठीक है। आओ बात कर ले एसीसी कौन है, देखो लिखो, लिख ले सब लोग, इसको थोड़ा लंबा है ये। कोई भी पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, उसको आपने क्या माना, एसीसी। अब ध्यान रखो टैक्स का मतलब क्या होता है, पेनल्टीज भी आ जाती है इसमें, लेट पेमेंट किए, गलतियां हैं, पेनल्टीज, इंटरेस्ट भी आ जाता है इसमें, या कोई भी और सम जो आईटी एक्ट के अंतर्गत आता है। अगर आप ये पे कर रहे हो आप क्या माने जाओगे, एसीसी माने जाओगे। आगे
देखो फिर एसएससी का मतलब कहां, सेक्शन 2(7) में क्या बताया, बोला आप पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम, कोई आदमी जो क्या पे कर रहा है, कोई टैक्स या कोई और भी अमाउंट ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब क्या है, आईटी एक्ट 1961। तो कोई भी आदमी जो टैक्स या कोई और पेमेंट करता हो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, फिर एवरी पर्सन इज रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और लेस और अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यूटी हुई। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ऐसा कोई आदमी जिसकी प्रोसीडिंग असेसमेंट की चल रही है, चाहे वो प्रोसीडिंग इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोसीडिंग लॉस से रिलेटिंग हो, या उसका अमाउंट रिफंड का हो या अदर हो, वो भी एसएससी माना जाएगा। फिर अ पर्सन हु इज एसेसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ एनदर पर्सन, ऐसा कोई आदमी जो किसी दूसरे पर्सन का इनकम का असेसमेंट कर रहा हो, वो भी एसएससी माना जाएगा। किसी आदमी ने आपको पूरा अपना दे दिया, वो आदमी गायब है, आपके अगर आप यूज कर रहे होगे तो उसके लीगल हायर माने जाओगे और आप टैक्स दोगे, ठीक है। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत गलती से करदाता मान लिया गया है ना, टैक्सेबल पर एसएससी मान लिया गया। अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या क्या हो गया, गलती से उसको क्या मान लिया गया है, डिफॉल्ट से। पहले डीम्ड का मतलब क्या है, जानबूझकर, डिफॉल्ट का मतलब गलती से, ठीक है। ये पांचों बातों को आप ध्यान रखोगे तो एसएससी कौन है, कोई भी पर्सन जिसके असेसमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्रवाई चल रही है, चाहे वो इनकम हो, चाहे लॉस हो, चाहे रिफंड हो, या कोई आदमी जो इस एक्ट के अंतर्गत टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, वो एसएससी है। या कोई पर्सन जिसका इनकम या लॉस किसी दूसरे पर्सन का हो, उससे रिलेटेड कोई कार्रवाई चल रही है ना, असेसमेंट हो रहा है। फिर ऐसा कोई पर्सन जो डीम्ड मान लिया गया जानबूझकर या गलती से एसएससी इन डिफॉल्ट, ठीक है, वो सब एसएससी होंगे। तो कुल मिलाकर देखो एक सार निकल के आया, कोई भी आदमी जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अमाउंट पे करने के लिए लाइबल है, वही एसएससी है। फिर टैक्स की रेट क्या है, अभी हमने आपको बताया था टैक्स का रेट क्या है, 5%, 20%, 30%, ठीक है। ये रेट बताया कहां जाता है, फाइनेंस एक्ट में। आओ थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट और लॉ, ये एक वाइडर टर्म है एक्ट। इसमें क्या क्या आता है लॉ में, एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस लॉ, ये एज अ कैप्टन। एक्ट कैसे काम करता है, एक्ट एज ए कैप्टन वर्क करता है, ठीक है। तो लॉ में एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस लॉ सब आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखो किसके थ्रू आते हैं, जितने भी अमेंडमेंट होते हैं बजट के थ्रू। कांग्रेस के समय में बजट कब आता था आपका, 28 फेब को। अब बीजेपी के समय में आपका बजट कब आ जाता है, बीजेपी के समय में बजट आ जाता है आपका 1 फरवरी को। ऐसा क्यों, 28 को आ रहा था, इंप्लीमेंट होने में समय लग रहा था, अब आता है समय नहीं लगता, ठीक। फैक्ट देखोगे कुछ आप लोग, हर साल पास किया जाता है फाइनेंस एक्ट आपका, ये क्या है, बजट का पार्ट है ना। कब लाया जाता है इसको, 1 फरवरी 2000, ठीक है। इसको हर साल, ये तो मैंने 2022 का लिख दिया है, 1 फेब ऑफ एवरी ईयर है ना। कौन प्रेजेंट करता है इसको, फाइनेंस मिनिस्टर, जो इस समय कौन है, निर्मला सीतारमण। कैसे आता है इसका देखोगे जरा से, सबसे पहले फाइनेंस बिल पास किया जाता है। अब 23rd चल रहा है तो हम लोग जहां जहां 2 लिखे हैं इसको क्या कर दें, 3 कर दें। पहले आने के बाद क्या होता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जाता है, दोनों हाउस कौन कौन से हैं इसके, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट साइन बन कर देता है, क्या बन जाता है, ये एक्ट बन जाता है, अदरवाइज क्या रहता है, ये बिल रहता है। इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है।
जिस ईयर में इलेक्शन होता है उस ईयर में दो बजट पास किए जाते हैं, है ना। ध्यान रखोगे जो बजट 1 फरवरी से जुलाई तक चलता है चुनाव तक, उसको क्या बोलते हैं? इंटरिम बजट। उसके बाद का जो बजट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनल बजट। ठीक है, तो ये थोड़ी बात हो गई हमारी चार्जिंग सेक्शन की। ठीक है, अब लास्ट में बात है कई टॉपिक क्लियर करने पड़े ना, इसमें काफी लंबा हो गया। देखोगे पर्सन कौन है, कवर हो गया हमारा। टोटल इनकम क्या होती हो गया, प्रीवियस ईयर क्या होता है, मैक्सिमम रेट क्या है, सीसी कौन है, रेट क्या है इनकम टैक्स की, फाइनेंस एक्ट कब आता है, कैसे आता है। अब असेसमेंट ईयर कब टैक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, असेसमेंट ईयर की प्रीवियस और असेसमेंट अभी बताए। आज असेसमेंट ईयर भी जान लो, ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। देखोगे असेसमेंट ईयर जो है ये 12 महीने का पीरियड होता है, जो कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल 1 से, और खत्म कब होता है? 31 मार्च। ठीक है, इट इज जस्ट आफ्टर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के ठीक बाद का जो समय होता है वही क्या है आपका असेसमेंट ईयर। इसका ड्यूरेशन हमेशा 12 महीने का होता है, बट प्रीवियस ईयर का 12 महीने तक उससे कम हो सकता है। ठीक है, पर्पज क्या है, असेसमेंट करते हो, कैलकुलेशन करते हो टैक्स का, रिलेशन क्या है उसके बाद का ईयर। ठीक, तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखोगे, यही है जो भी है हमारा टैक्स का बात। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चा लोग क्लियर कर लेगा, हमने आपको पढ़ाया यहां पर चार्जिंग सेक्शन पूरा। चार्जिंग सेक्शन क्या बात बताता है, ये यहां से बताया, और केवल आज मैंने इतना ही पढ़ाया आपको, ध्यान रखना। अरे सर मतलब पूरा किताब पढ़ाएंगे तो क्या पूरा नहीं, ध्यान रखो। जब इनकम टैक्स का बात होगा सोर्स या कंपोनेंट इतने हैं, चार्जिंग सेक्शन है ये आपका। टैक्स किसके ऊपर लगता है बेटा? पर्सन के ऊपर। पर्सन के डिफिनेशन में कौन आएगा, ये बात अभी मैंने आपको क्लियर किया सेक्शन नंबर 231 से। किस इनकम पर लगेगा, ये बात बताया गया सेक्शन नंबर 245 में, अभी मैंने आपको क्लियर कराया टोटल टैक्सेबल इनकम क्या है। किस ईयर की इनकम पर, जो इनकम आप प्रीवियस ईयर में कमाए हो, इसको भी मैंने आपको भी क्लियर कराया। उसकी लिमिट क्या है, जब टैक्स लगता है उसकी लिमिट क्या है, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की, भी मैंने आपको क्लियर कराया। ठीक है, एसएससी कौन लगता है, जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो एसएससी कहलाता है, अभी बताया मैंने आपको। रेट क्या है, रेट्स क्या है, ये सब बात। फाइनेंस एक्ट क्या है, कब लगता है, असेसमेंट ईयर में। ठीक है, तो ध्यान रखोगे बेटा ये सभी बेसिक बात थी। आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म हुई। आप सब लोग क्या करेंगे, इसको कायदे से एकदम प्रिपेयर करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से आपके मैक्सिमम बेसिक के क्वेश्चन पूछते शॉर्ट में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही हो, आप मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और द कॉमर सबके फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं, उसमें बायो में लिंक शेयर किया गया आपका, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। ठीक है, तो चलो द कॉमर सब फैमिली की तरफ से आप सभी को बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में कल। ठीक है।